हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme C11, Realme C15, Realme C12, Realme C20, Realme C21, Realme C25, Realme C3 यूज करते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहे। इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ कि Realme UI 2.0 का जो अपडेट है, ऑफिशियल जो स्टेबल जो अपडेट है, रोल आउट कर दिया गया है। अब कब तक देखने को मिल जाएगा आपको, दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देने लगा। अगर आप Realme UI 2.0 का अपडेट लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहे। थोड़ा सब्सक्राइब ना कर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बटन जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ Realme 5 Pro के बारे में। Realme से 5 Pro में Realme UI 2.0 का जो अपडेट है, ऑफिशियली जो स्टेबल जो अपडेट है, रोल आउट कर दिया गया है। बहुत सारे भाई ने कमेंट कर पूछे थे Realme 5 Pro में Android टर्मिनल जो अपडेट कब देखने को मिलेगा। दोस्तों Realme UI 2.0 का अपडेट है मिलना स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियली जो स्टेबल जो अपडेट है मिलना स्टार्ट हो चुका है। ये अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा धीरे धीरे। दोस्तों आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट तभी मिलेगा, आपको C.14 का अपडेट होना चाहिए, C.15 का भी अपडेट होना जरूरी है, तभी आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा Realme 5 Pro में। उसके बाद बात करें दोस्तों, जब एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट कर दोगे, F.03 का जो लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। अब एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट्स ऑफिशियली स्टेबल जो अपडेट है, ये सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा Realme 5 Pro में। अगर आपको Realme 5 Pro यूज करते तो आपके लिए गुड न्यूज है, और रोल आउट कर दिया गया है Realme 5 Pro में एंड्रॉयड 11 का अपडेट, धीरे धीरे सभी डिवाइस में देखने को मिल रहा है। कल ही मेरा दोस्तों को एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है देखने को मिल चुका है Realme 5 Pro में। अगर आप Realme 5 Pro यूज करते तो आपके लिए गुड न्यूज है, ऑफिशियली स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है, धीरे धीरे सभी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं Realme 3 Pro के बारे में। Realme 3 Pro में Realme UI 2.0 का अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। Realme 3 Pro में अभी तक बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है, अभी तक इसमें स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट नहीं किया गया है। बीटा अपडेट अभी तक मिला है तो इसमें दोस्तों कुछ ही यूजर को टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा Realme UI 2.0 का अपडेट। इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होगा बीटा अपडेट में। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या आपको वर्जन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एंड्रॉयड 11 का अपडेट करने से पहले आपको C.17 का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है, C.18 का भी लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। ये दोनों में से एक अपडेट होना जरूरी है, तभी आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अपडेट अभी तक नहीं, तो आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपको नहीं है तो कर लेना है, और मिला हुआ है तो कर लेना है Realme UI 2.0 का अपडेट लेना चाहते हैं तो। दोस्तों आप समझ चुके कि Realme 3 Pro में अभी तक बीटा अपडेट देखने को मिला है, इसमें आपको कोई भी स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट नहीं किया गया, अभी कुछ ही यूजर को टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है चलिए मैं बता देता हूँ। Realme 3 Pro में दोस्तों Realme UI 2.0 का अपडेट लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में चल जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से बफरिंग लेगा थोड़ा सा, तो कुछ सेकंड आपको रुकना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ट्रायल वर्जन लिखा हुआ है, ट्रायल वर्जन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ट्रायल वर्जन पे क्लिक करते हो दोस्तों आपको यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फ़ोन नंबर से यहाँ पे फ़ोन नंबर से आपको यहाँ से वेरीफाई करना, या जीमेल से आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद दोस्तों आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों कुछ ही यूजर को Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं Realme C3 के बारे में। Realme C3 में Realme UI 2.0 का अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों ये स्टेबल जो अपडेट है, ऑफिशियली स्टेबल जो अपडेट है, ये अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा Realme C3 में। अगर आप Realme C3 यूज करते तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों आपको ऑफिशियली जो स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। अगर आप एंड्रॉयड 11 का अपडेट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल में वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, 8.63 का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है, तभी आपको एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है देखने को मिलेगा। अगर आप अपडेट नहीं किए 8.63 का, तो आपको अपडेट कर लेना है सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर, अगर आपको मिला है तो। दोस्तों आप जब एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट कर दोगे उसमें आपको C.04 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। C.04 का लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिस्टम को लेकर कुछ भी इम्प्रूव किया जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेकर, दोस्तों कैमरा को लेकर, गेम को लेकर, इसमें आपको कुछ भी इशू होगा, फीचर नया नया आपको देखने को मिलेगा, कैमरा में नया फीचर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको Realme लैब के लिए फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों
कैम को लेकर फीचर देखने को मिला, लॉन्चर को लेकर आपको फीचर देखने को मिला, मतलब आपका सिस्टम जो है दोस्तों चेंज कर दिया जाएगा। रियलमी C3 में आपको नया नया फीचर देखने को मिलेगा रियलमी वाई 2.0 में। दोस्तों आप रियलमी C3 यूज करते तो आपके लिए गुड न्यूज है, ऑफिशियली जो स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है रियलमी C3 में। अब बात कर लेते हैं रियलमी C11, रियलमी C15, रियलमी C20, रियलमी C21, रियलमी C25S, रियलमी C12, रियलमी C11, इन सारे डिवाइस में रियलमी वाई 2.0 का अपडेट कब रोल आउट होगा। दोस्तों इसमें भी रोल आउट कर दिया गया है, बट दोस्तों इसमें कुछ ही यूजर को टेस्टिंग के लिए देखने को मिलेगा रियलमी वाई 2.0 का अपडेट। अभी सिर्फ बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है, ऑफिशियली जो स्टेबल जो अपडेट है अभी तक रोल आउट नहीं किया गया है रियलमी C11 में, रियलमी C12 में, रियलमी C15 में, रियलमी C20 में, रियलमी C21 में, रियलमी C25, रियलमी C25S में। इन सारे डिवाइस में अभी तक सिर्फ बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है। अभी तक दोस्तों सिर्फ रियलमी C3 में रियलमी वाई 2.0 का अपडेट है, ऑफिशियली स्टेबल जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है रियलमी C3 में। सभी डिवाइस में रियलमी वाई 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा, बाकी रियलमी सी सीरीज में अभी सिर्फ बीटा अपडेट रोल आउट किया गया है, कुछ ही यूजर को टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा रियलमी वाई 2.0 का अपडेट। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपका मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।